मिस मैरी मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। मिस मैरी एलवी प्रसाद द्वारा निर्देशित 1957 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म एक AVM प्रोडक्शन है जिसमें हर गोविंद दुग्गल ने लिखा है और एलवी प्रसाद ने निर्देशित किया है। मूल मिसम्मा को 1955 में तेलुगु के निर्देशित किया गया था और तमिल में मिसियम्मा के रूप में बनाया गया था, जिसमें सावित्री ने दोनों फिल्मों के शीर्षक भूमिका निभाई थी। 1957 में मीना कुमारी के साथ मिस मैरी के रूप में इसे हिंदी में रीमेक किया गया था। इन सभी फिल्मों में जमुना को निरंतर कारक के रूप में रखा गया। एलवी प्रसाद ने तीनों संस्करणों का निर्देशन किया। संगीत हेमंत कुमार का था। गीतों संवाद राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। गाने किशोर कुमार द्वारा लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। फिल्म की पटकथा चक्रपाणी द्वारा दो भारतीय बंगाली भाषा के उपन्यासों से ली गई थी। रविन्द्रनाथ मेहता की मनमयी गर्ल्स स्कूल और शीर्षेंदु बंदोपाध्याय की डिटेक्टिव थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं एलवी प्रसाद। यह फिल्म राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखी थी। इस फिल्म को उत्पादित किया है AV मैयप्पन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीना कुमारी, जेमिनी गणेशन, किशोर कुमार, जमुना ओम प्रकाश ने। इस फिल्म का छायांकन किया है टी मुथुस्वामी ने। इस फिल्म को संपादित किया है के शंकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है AVM प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है AVM प्रोडक्शंस द्वारा। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 फरवरी 1957 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। मीना कुमारी जो बाद में एक त्रासदी की रानी के रूप में अपनी त्रासदीपूर्ण भूमिका के लिए मशहूर हुई, उन्होंने 1950 के दशक में आज़ाद, मेम साहब, शरारत जैसी फिल्मों में कुछ हल्की फुल्की भूमिका निभाई है। 1969 की फिल्म कोहिनूर को मिस मैरी जेमिनी गणेशन, जिन्हें एक फिल्म के साथ हिंदी भाषा फिल्म निर्देशकों से परिचित किया गया था, और मीना कुमारी के लिए मैरी मिस उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें मीना कुमारी, जिन्होंने नियमित रूप से दुखद भूमिका निभाई है, ने अपने दुर्लभ हास्य अभिनय में से एक का प्रदर्शन किया है। कहानी अरुण जेमिनी गणेशन के बारे में है, जो एक बेरोजगार शिक्षक है जिसे लक्ष्मी स्कूल में नौकरी की पेशकश करने वाला एक विज्ञापन मिलता है, जिसमें वह प्रावधान है कि केवल विवाहित जोड़े ही आवेदन कर सकते हैं। उसकी मुलाकात एक ईसाई लड़की मिस मैरी मीना कुमारी से होती है, जिसे अपने माता पिता का कर चुकाने के लिए नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वह अपनी पत्नी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए सहमत हो जाती है। वे दिखावा जारी रखने के लिए एक भिखारी सह धोखेबाज नागदाऊ ओम प्रकाश को नौकर के रूप में नियुक्त करते हैं। स्कूल के मालिक राय साहब और उसकी पत्नी अपने लंबे समय में खोई हुई बेटी लक्ष्मी की तलाश कर रहे हैं, जो 16 साल पहले लापता हो गई थी, जिसे बांधने वाली एकमात्र चीज एक लॉकेट और फार्म की एक पहचान चिन्ह है। उसके बाएं पैर पर एक तिल है जो उसे ढूंढने के लिए जासूस राजू के नियुक्त किए करते हैं। राजू एक अनाथ है जिसे राय साहब ने भतीजे के रूप में पाला है। वृद्ध दंपति मैरी में अपनी बेटी की समानता पाते हैं और उसे लक्ष्मी की एक तस्वीर दिखाते हैं जो उसके जैसे दिखती है। मैरी उन्हें बताती है कि वह उनकी बेटी नहीं बन सकती क्योंकि उसे ईसाई माता पिता ने ईसाई माहौल में पाला है। मैरी को राय साहब और उसकी पत्नी ने अपनी शादीशुदा स्थिति के बारे में झूठ बोलना बुरा लगता है। लगातार झगड़ों के बावजूद वह और अरुण एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मालिक की दूसरी बेटी और मैरी की जैविक बहन सीता को अरुण से प्यार है, जो मैरी को परेशान करता है। राजू उसके दोस्त से जुड़े कई हास्य दृश्य हैं। मैरी के राय साहब की बेटी लक्ष्मी होने की सच्चाई तब सामने आती है जब उसका पालक माता पिता आते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। मीना कुमारी, लक्ष्मी,
मैरी के रूप में है, जेमिनी गणेशंस अरुण के रूप में है, राजू के रूप में किशोर कुमार है, सीता के रूप में जमुना है, लक्ष्मी और सीता के रूप में अर्चना सचदेव है, जगदीश सेठी रायशाह अब लक्ष्मी के माता पिता के रूप में है, जोन के रूप में रणधीर है, नोकटाव के रूप में ओम प्रकाश है, मारुति राव परब साक्षात्कारकर्ता के रूप में है, लक्ष्मी के पालक पिता के रूप में शिवराज है, एक करुणा नदी के रूप में है, वेजी के रूप में केशी है। संगीत और पृष्ठभूमि शंकर हेमंत द्वारा रचित था और गीत राजेंद्र किशन द्वारा लिखे गए थे। गाने लोकप्रिय थे, खासकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया गाना ना आया बजाना ना आया, लता द्वारा गाया गया ये मर्द बड़े दिलशर बड़े बेदर्द और रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, वृंदावन का किशन कन्हैया मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जिन्होंने पहली बार लाडली 1949 में एक साथ गाना गाया था ने फिल्म में एक युगल गीत गाया था सखी री सुन बोले पपीहा उस पार। आशा अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर और अन्य उस्तादों से प्रशिक्षण की कमी के बावजूद सही समय रखते हुए अपने सरगम तान से लता का अनुसरण करने में सक्षम थी। हालांकि किशोर कुमार उस फिल्म में नायक नहीं है, लेकिन उन्होंने गाना ना आया गाने में अपनी अपार संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ओ माई सीता पपलू पपीता जिसे पागल भर भरे गीतों के साथ यह गीत विभिन्न संगीतों रूपों और शैलियों का एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें नर्सरी कविता थ्री बॉन्डेड वॉइसेस भी शामिल है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मीना कुमारी के विषय में। मीना कुमारी महज बिन बानो जिनका जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1972 में हुई है, एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। द ट्रेजेटो क्वीन में नाम से लोकप्रिय हैं उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 33 साल के अपने कैरियर में बाल अभिनेत्री से वयस्क तक कुमारी ने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म महज बिन बानो 1 अगस्त 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1972 मात्र 38 वर्ष की आयु में मुंबई बम्बई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनका दफन जगह रहमतवा कब्रिस्तान मुंबई में है। इन्हें अन्य नामों त्रिशदी रानी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री कवि गायक पोशाक बनाने वाली थी। इनका सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रहा है। इनका जीवन साथी कमाल अमरोही जिनसे इन्होंने 1952 में विवाह किया था और सितंबर 1964 में छोड़ दिया था। इनके रिश्तेदार अली अमरोही है। पुरस्कार की इनकी सूची है। संगीत शैलियों में इनकी फिल्में और गजल है। इनका लेखन कैरियर उपनाम से नाज है। कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। वह 1954 में बेसू बावरा के लिए प्रथम फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रही थी और परिणीता के रूप में अपने फिल्म फेयर पुरस्कार 1955 में लगातार जीत हासिल की थी। कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और शाही बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। 13वें फिल्म फेयर पुरस्कार 1966 में उन्होंने अपनी आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार काजल के लिए जीता। आलोचकों ने कहा है कि शाही बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान है। वह अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी जैसे 2 बीघा जमीन, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल का मंदिर, फूल और पत्थर, मेरे अपने।
1960 के दशक के अंत तक कुमारी शराब की आदी हो गई, जिसका असर उनकी बाद की फिल्मों में भी दिखाई दिया। कुमारी एक कवि और पार्श्व गायिका भी थी, जिन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपनी कविताओं के लिए गीत गाए, जो एक एल्बम आई शाइट में सामने आए। उन्होंने पकीज़ा में वेशभूषा भी डिज़ाइन की। 31 मार्च 1972 को कुमारी की मृत्यु 38 वर्ष की आयु में लीवर सिरोसिस से हुई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेत्री के प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में। मीना कुमारी का जन्म महज भी नाम के साथ 1 अगस्त 1933 को अलीबख्श और इकबाल बेगम के घर में हुआ था। अलीबख्श के लिए एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि वह एक बेटा चाहते थे। वह दूसरी बेटी थी और उसकी दो बहनें थीं, बड़ी का नाम खुशी जूनियर और छोटी का नाम भैलिका, मधु के नाम से जाना जाता। और वह पूर्व बाल कलाकार में अभिनेता महमूद से शादी की थी। उसके पिता उसके डिलीवरी के लिए डॉक्टर को भुगतान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपना मन बदल लिया और उसे वापस घर लिया गया। एक बच्चे के रूप में कुमारी फिल्मी कैरियर बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी और स्कूल जाना पसंद करती थी। उसके बावजूद उसके माता पिता उसे काम के अवसरों के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे। निर्देशक विजय भट्ट ने मेजबान को फिल्म लेदरफेस में कास्ट किया और काम के पहले दिन उन्हें रुपयों का भुगतान किया गया 25। लेदरफेस 1939 में रिलीज हुई थी। वह बहुत कम उम्र में बॉक्स ऑफिस में कमाने वाली बन गई। 1962 में दिए गए एक साक्षात्कार में कुमारी ने बताया कि इन तथ्यों में से उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता का समर्थन किया था। उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने एक नियमित स्कूल में भर्ती कराया गया, जहाँ लेकिन काम की मांगों के कारण उसका पाठ्यक्रम बक्षण बाधित होता था। वह किसी भी सार्थक अर्थ में स्कूल नहीं गई, इसलिए उसकी शिक्षा निजी ट्यूशन और स्वयं शिक्षा का परिणाम थी। कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श नाम के एक सुन्नी मुस्लिम थे, जो भेरा पाकिस्तान से आए थे। वह पारसी थिएटर के अनुभवी थे, हारमोनियम बजाते थे, उर्दू कविता लिखते थे, संगीत लिखते थे और कुछ फिल्मों में छोटी भूमिका भी निभाते थे। कुमारी की माँ इकबाल बेगम, जिसका मूल नाम प्रभावती देवी था, वह ईसाई थी। उन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम अपना लिया। इकबाल बेगम अलीबख्श की दूसरी पत्नी थी। अलीबख्श से मिलने और शादी करने से पहले वह एक स्टेज अभिनेत्री थी और कहा जाता है कि बंगाल के टैगोर परिवार से संबंधित थी। कुमारी की दादी हेम सुंदरी टैगोर और तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दूर के चचेरे भाई की बेटी या विधवा थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने परिवार ने उसे मेरठ जाने के लिए मजबूर किया, जहां वह एक नर्स बन गई। उन्होंने प्यारे लाल शाकिर मेरठी नामक एक ईसाई से शादी की, जो उसे उर्दू पत्रकार थे और उन्होंने अपना नाम दिया। ईसाई धर्म उसकी दो बेटियां थीं, जिनमें से एक कुमारी की माँ प्रभावती थी। कुमारी ने 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत में लगातार विजय भट्ट प्रस्तुतियों में काम किया। लेदरफेस, अधूरी कहानी, पूजा और एक ही भूल में नामांकन के दौरान भट्ट ने महसपीन को बेबी मीना नाम दिया। उसके बाद और भी फिल्में आई, जिसे नई रोशनी, बहने, कसूटी विजय, गरीब प्रतिज्ञा और लाल हवेली। रमनी प्रोडक्शंस की फिल्म बच्चों का खेल में उन्होंने मीना कुमारी के नाम का कास्ट किया गया था। मीना कुमारी के जीवन में सबसे बड़ा झटका उसकी मां की मृत्यु थी, जो 25 मार्च 1947 को चल बसी। दुनिया एक सराय, पियागर आजा और बिछड़े बालम उनकी कुछ शुरुआती फिल्में थीं, जिनमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए।
1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक या काल्पनिक फिल्मों की ओर स्थानांतरित कर दिया। वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, लक्ष्मी नारायण, हनुमान पाताल विजय और अलादीन और जादुई चिराग जैसी फिल्में थीं जिनमें उन्हें श्रेय दिया गया था। अन्य फिल्में जिसे मगरूर, अपना घर, सनम, मदहोश और तमाशा में अधिकांश कलाकारों की समूह ही थी। कुमारी का उत्पादन उनके गुरु विजय भट्ट के संगीत में फिल्म बेसू बावरा से हुआ। 1952 बेसू बावरा कुमारी की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। उसकी सफलता के बाद वह हिंदुस्तान लेवर उत्पादकों की एक लोकप्रिय सौंदर्य साबुन के कैलेंडर में एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित हुई। 1953 परिणीता, बिमन रॉय द्वारा निर्देशित, अशोक कुमार और कुमारी मुख्य भूमिका में। नई कुमारी को अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिलाया। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1914 के बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। विमल रॉय द्वारा निर्देशित एक और फिल्म दो बीघा जमीन ने 1954 में कॉन्स के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऐसा करने वाली यह फिल्म भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म कुमारी के एकमात्र अतिथि भूमिका भी थी। फुटपाथ जिया साहिदी द्वारा निर्देशित दिलीप कुमार के साथ कुमारी का पहली फिल्म थी। यह फिल्म की आजीविक गोद की किताब 40 रिटेक्स बॉलीवुड क्लासिक्स यू में है मिसर में दिखाया गया था। दायरा कमाल अमरोहा एक लिखित और निर्देशित थी जिसमें कुमारी, नासिर खान और नाना पानिशकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अन्य फिल्मों में नौलखा हार और दाना पानी शामिल है। 1954 की चांदनी चौक, 1954 की बिहार चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक मुस्लिम सामाजिक ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पाडान फनी मजूमदार निर्देशित, इसमें कुमारी देव आनंद, अशोक कुमार, उषा किरण जैसे स्टार कलाकार शामिल थे। इल्जाम आशी तलवार द्वारा निर्देशित कुमारी और किशोर कुमार द्वारा अभिनीत का भी प्रेशर हुआ है। 1955 त्री रामालू नायडू MS द्वारा निर्देशित आजाद में कुमारी ने कॉमेडी में दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया। यह उस वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और इसमें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर द्वारा गाना गाया गया। अपलम चपलम भी शामिल था। ऐदल ए जहांगीर ZP सिप्पी द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी। यह बॉक्स ऑफिस पर वैवाहिक सफल रूप से सफल रही। सत्येन बोस द्वारा निर्देशित बंदिश, इसमें कुमारी, अशोक कुमार और डेजी ईरानी ने अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही रुखसाना आरती तलवार द्वारा निर्देशित थी और इसमें कुमारी और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। 1956 में मेम साहब आरजे तलवार द्वारा निर्देशित कुमारी को पहली बार शम्मी कपूर के साथ दिखाया गया। कुमारी ने आधुनिक अवतार को दर्शकों ने खूब सराहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। एक ही रास्ता विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया था। इसमें नवांगुतक सुनील दत्त, अशोक कुमार और डीजो ईरानी ने साथ कुमारी ने अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और 25 सप्ताह से अधिक समय तक प्रदर्शित की गई जो जुबली हिट रही। बंधन हेमचंद चंद्र द्वारा निर्देशित लोकप्रिय बंगाली उपन्यास मंत्र शक्ति पर आधारित थी। इसमें कुमारी और प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट में सम्मानित किया गया। नया अंदाज के अमरनाथ निर्देशित, जिसमें कुमारी और किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे। एक संगीत में हिट थी हलाकू एक ऐतिहासिक DD कश्यप द्वारा निर्देशित थी जिसमें कुमारी, प्राण, मीनू, मुमताज, राज मेहरा और हेलेन शामिल है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सिल्वर जुबली बनाई। 1957 LV प्रसाद द्वारा निर्देशित शारदा
राज कपूर के साथ कुमारी की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म को बड़ी आलोचनात्मक सफलता मिली और यह 1957 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मिस मैरी एलवी प्रसाद द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें कुमारी और जेमिनी गणेशन ने अभिनय किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। 1958 लेखराज भकारी द्वारा निर्देशित सहारा के लिए कुमारी और फिल्म फेयर नामांकन मिला। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित याहूदी में कुमारी दिलीप कुमार, सोरा मोदी, नजीर हुसैन और निगार मुल्ताना ने अभिनय किया। यह रोमन साम्राज्य में यहूदियों से उत्पादन के बारे में पारसी उर्फ थिएटर के एक क्लासिक आगार हशार कश्मीरी के नाटक यहूदी की लड़की पर आधारित था। मुकेश द्वारा गाया गया गीत ये दीवानापन है के साथ फिल्म फेम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फरिश्ता और सवेरा सत्येन बोस द्वारा निर्देशित और अशोक कुमार और कुमारी नायक थे। फिल्मों को औसत से ऊपर रिंगेट दी गई। 1969 चिराग कहाँ रोशनी कहाँ द्वारा निर्देशन और निर्माण देवेंद्र गोयल ने किया था। मैं कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार और हनी ईरानी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और कुमारी और उसके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्म फेयर नामांकन मिला। चार दिल चार राहें ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित थी जिसमें कुमारी राज कपूर, शम्मी कपूर, कुमकुम और निम्मी जैसे स्टार कलाकार थे। फिल्म को आलोचकों के गर्मजोशी से बड़ी समीक्षा मिली। शरारत 1969 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे हरनाम सिंह रिविल ने लिखा और निर्देशित किया जिसमें कुमारी किशोर कुमार, राजकुमार और कुमकुम ने मुख्य भूमिका निभाई जिसमें किशोर कुमार द्वारा गाया गया हम मत वाले नौजवान था। रेखराज बकारी द्वारा निर्देशित फिल्म चांद 1969 की फिल्म प्रदर्शित उनकी अन्य फिल्में अर्धागिनी, सट्टा बाजार, मथु और जहांगीर थी। नदीरा के कुछ मुख्य रोमांटिक ड्रामा भी रचित थे। इसमें कुमारी, राज कपूर, शम्मी कपूर, कुमकुम और निम्मी जैसे स्टार कलाकार थे। फिल्म को आलोचकों से गर्मजोशी में बड़ी समीक्षा मिली। शरारत 1959 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे हरनाम सिंह रिविल ने लिखा और निर्देशित किया। इसमें कुमारी, किशोर कुमार, राजकुमार और कुमहुम ने मुख्य भूमिका निभाई जिसमें किशोर कुमार द्वारा गाया गया हम मत वाले नौजवान था। लेखराज पकारी द्वारा निर्देशित फिल्म चांद 1959 के प्रदर्शित उनकी अन्य फिल्में अर्धांगिनी, सट्टा बाजार, मधु और जहांगीर थी। 1960 दिल अपना और प्रीत पराय किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा थी जिसे फिल्म में कुमारी, राजकुमार और नदीरा ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में एक सज्जन की कहानी बताती है जिसे एक पारिवारिक मित्र की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य किया जाता है जबकि वह कुमारी अपना निभाए गए एक सहकर्मी नर से प्यार करता है। यह उनके लेखनीय अभिनय में से एक है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है और इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हिवायन थीम वाले अजीब दास्तां है ये को दिखाया गया है। बहाना कुमार द्वारा निर्देशित में कुमारी, सज्जन महमूद, हिलेन प्रेमिला, सुलोचना लाटकर और शीला वाज जैसी स्टार कौष्टी, कोहिनूर, एसियो सनी। 1961 भाभी की चूड़ियां, सदा शिवजे रो कवि द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक ड्रामा थी जिसमें कुमारी और बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। जिंदगी और ख्वाब एस पहलवी द्वारा निर्देशित और राजेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। प्यार का सागर कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक प्रशंसा और शाही बीबी और गुलाम के विषय में।
गुरुदत्त निर्मित और अबरार आलवी द्वारा निर्देशित फिल्म साहेब बेबी और गुलाम में कुमारी ने छोटी बहू की भूमिका निभाई थी। बिमन मित्रा केवा बंगाली उपन्यास शाही बीबी और गोलम पर आधारित है। फिल्म में कुमारी गुरुदत्त रहमान और वहीदा रहमान है, जिसका संगीत हेमंत कुमार का है और गीत शकील बदायू ने कहा है। यह फिल्म वी के मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी और गीता दत्त द्वारा किए गए गाने ना जइयो सैया छोड़ू न भैया और पिया ऐसो जियो में के लिए प्रसिद्ध है। साहेब बेबी और गुलाम के लिए शराब के अत्यधिक सेवन से जुड़ी भरी उपस्थिति में दिखाई देने के लिए उन्होंने अपनी नाक के नीचे केंद्रित ईओडी कोलोन लगाया। जलन ने उसे एक शराबी की दृश्य उपस्थिति प्राप्त करने में मदद की। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सही 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और 13वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामांकित किया गया, जहां कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, जिसे ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 1962 में फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित आरती में कुमारी आरती की मुख्य भूमिका में है, जिसे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और शशिकला प्रमुख भूमिकाओं में है। इस फिल्म के लिए कुमारी ने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मैं चुप रहूंगी ए भीम सिंह द्वारा निर्देशित, जिसमें कुमारी और सुनील दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे, साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और कुमारी और उसके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1963 सी वी श्रीधर द्वारा निर्देशित दिल एक मंदिर, जिसमें कुमारी राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया था। व्यावसायिक रूप से सफल रही अकेली मजयो नंदलाल जशवंतलाल द्वारा निर्देशित कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी है। किनारे किनारे का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था, जिसमें कुमारी देवानंद और चेतन आनंद मुख्य भूमिकाओं में थे। 1964 सांझ और सवेरा हरिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें कुमारी गुरुदत्त और महमूद ने अभिनय किया। बेंजी एस खलील द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म है, जिसमें कुमारी अशोक कुमार, शशि कपूर और तनुजा ने अभिनय किया था। किदार शर्मा द्वारा निर्देशित चित्रलेखा कुमारी अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा अभिनीत भगवती चरण वर्मा ने इसी नाम से 1934 हिंदी उपन्यास पर आधारित है। कुमारी और सुनील दत्त अभिनीत गजल युवा पीढ़ी में अपनी पसंद की शादी के अधिकार के बारे में एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म है। मैं भी लड़की हूँ का निर्देशन इसी त्रिलोक चंदर ने किया था। फिल्म में नवांगुतुक धर्मेंद्र के साथ कुमारी है। 1965 राम महेश्वरी द्वारा निर्देशित काजल में कुमारी धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मनि, हिलेन महमूद और मुमताज ने अभिनय किया। फिल्म को 1965 की शीर्ष 20 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया था। काजल ने के लिए अपना 4th फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह फिल्म मूल रूप से गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर आधारित थी। कालिदास और निर्देशित बीगी रात, जिसमें कुमारी अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में थी, साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। नरेंद्र सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म पूर्णिमा में कुमारी और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में है। 1966 ओ पी रलहन द्वारा निर्देशित फूल और पत्थर के कुमारी और धर्मेंद्र द्वारा मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट रही, जिसमें धर्मेंद्र और स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पिंजरे के पक्षी फिल्म को निर्देशन के सलील चौधरी ने किया था, जिसमें कुमारी बलराज सहानी और महमूद मुख्य भूमिका में थे। 1967 की मजली दीदी का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और इसमें धर्मेंद्र के साथ कुमारी भी थी। है फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 41वें एकादमी पुरस्कार में
भारत की ओर प्रवेश की थी। फिल्म बहू बेगम का निर्देशन एम सात्विक ने किया था, जिसमें कुमारी प्रदीप कुमार और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। फिल्म में रोशन का संगीत और साहिल लुधियानावती ने गीत किया। नूर शाह का ऐतिहासिक फिल्म है, जिसमें कुमारी और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था, जिसमें हेलन और जॉनी वॉकर छोटी भूमिकाओं में है। यह महारानी नूर शाह और उसके पति मुगल सम्राट जहांगीर की महाकाव्य प्रेम कहानी का नाटक है। फिल्म चंदन का पालना का निर्देशन इस्माइल मेमन ने किया था, जिसमें कुमारी और धर्मेंद्र ने अभिनय किया था। आफ्टर द एक्पल्स एस सुखदेव द्वारा निर्देशित और वाराणसी के उपनगरीय इलाके में फिल्माए गए 37 मिनट के रंगीन डॉक्यूमेंट्री में कुमारी की आवाज़ के साथ साथ अभिनेता शशि कपूर की आवाज़ भी शामिल। 1968 याकूब हसन रिवीजी द्वारा निर्देशित बहारों की मंजिल एक सस्पेंस थ्रिलर थी, जिसमें कुमारी धर्मेंद्र रहमान और फरीदा जलाल ने अभिनय किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म अभिलाषा का निर्देशन अमित बोस ने किया था। कलाकारों में कुमारी संजय खान और नंदा शामिल हैं। कैरियर में मंदी और अंतिम कार्य। 1970 के दशक की शुरुआत में कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय उन्मुख का चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित कर दिया। 1970 जवाब का निर्देशन रमन्ना ने किया था, जिसमें कुमारी जितेंद्र लीना चंदवाकर और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। सात फेरे का निर्देशन सुंदरधर ने किया था, जिसकी कुमारी प्रदीप कुमार और मुकरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित मेरे अपने उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। यह फिल्म में कुमारी विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिका में थे, साथ ही देवेन वर्मा पटेल आशीष सेन असरानी डैनी डेंजोगपा किस्टो मुखर्जी ए के हेंगल दिनेश ठाकुर महमूद और योगिता बाली भी शामिल थे। दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित दुश्मन ने कुमारी रहमान और राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि मुमताज मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट शामिल हुई। 1972 में सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, जिसमें कुमारी संजय खान और मुमताज ने अभिनय किया था। गोमती के किनारे कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई और यह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पाकिजा के विचार 1954 में अस्तित्व में आया, उसके बाद 1956 में मोहर लग गई। कुमारी के अद्भुत और यह जानते हुए कि उनके पास सीमित समय बचा है, उन्होंने इसे जल्दी पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अपने स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के बावजूद उन्हें अपने प्रदर्शन के अंतिम रूप दिया गया। 3 फरवरी 1972 को सेंट्रल बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में पाकिजा का भव्य प्रीमियर हुआ और प्रिंट को एक सुसज्जित पालकी में ले जाया गया। फिल्म अंततः अगले दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकिस्तान के 33 सप्ताह तक सफल प्रदर्शन कहा और यहां तक कि अपनी रजत जयंती भी मनाई। कुमारी को मरणोपरांत पाकिजा के लिए अपना 12वां और आखिरी फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुआ। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ने 1973 में पाकिजा के लिए कुमारी को विशेष पुरस्कार दिया। पार्श्व गायक के रूप में कैरियर। कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1945 तक बहने जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में गाना गाया। यह गायिका के रूप में अपनी दुनिया एक सराय पिया घर आजा बिछड़ी बलम और पिंजरे के पक्षी जैसी फिल्मों के लिए गाना उन्होंने पाकिजा के लिए भी गाना गाया। हालांकि इस गाने का इस्तेमाल फिल्म में नहीं किया गया था, बाद में उसे पाकिजा रंग बारंग एल्बम में रिलीज किया गया। 1938 के फिल्म जेलर के लिए बाल कलाकार की तलाश के दौरान कमाल अमरोही की मुलाकात कुमारी से हुई। वर्षों बाद तमाशा की सेट पर अशोक कुमार ने उन्हें कुमारी से मिलवाया। उसके बाद से उन्हें अपनी आगामी फिल्म अनारकली में मुख्य भूमिका की पेशकश की। अनुबंध पर
13 मार्च 1951 की हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 21 मार्च 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे लौटते समय कुमारी एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए। बाएं हाथ में चोट लगने के कारण उन्हें पुणे से शुश्रन अस्पताल में भर्ती किया गया और अमरोही नियमित रूप से उनसे मिलने जाते थे। अस्पताल में यह प्रेम प्रसंग 4 महीने तक चलता रहा। दुर्घटना के कारण कुमारी की बाई छोटी उंगली जीवन भर के लिए बंद गई। शूटिंग के दौरान वह अपने बाएं हाथ को दुपट्टे या साड़ी में ढक लेती थी। अंततः फिल्म अनारकली बंद हो गई। 14 फरवरी 1952 को कुमारी और अमरोही ने एक कादी और कुमारी की छोटी बहन महलिका की उपस्थिति में एक साधारण निकाह समारोह में गुप्त रूप से शादी कर दी। समारोह के बाद नवजोत जोड़े अलग हो गए। अमरोही आयान के लिए रवाना हो गए और कुमारी और मधु घर लौट आए। शादी और परिवार और मीडिया से गुप्त रखा गया था। हालांकि अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पिछली पहली पत्नी ने 3 बच्चे थे। कई महीनों के बाद शादी लीक हो गई और अनी बोक्स ने तलाक की सिफारिश की। कुमारी अपने निर्णय पर अड़ी रही, लेकिन उनके पिता के घर में ही रही। इस बीच अमरोही ने 1953 में दायरा नामक एक फिल्म की योजना बनाई और कुमारी जो अब तक पत्नी है को कॉस्ट करने का फैसला किया। उसने असफल करने और पिता की अनुमति मांगी, फिर अपने पति के निवास शायन के लिए रवाना हो गई। अपनी शादी के बाद अमरोही ने कुछ शर्तों पर कुमारी को अपना अभिनय करियर जारी रखने की अनुमति दी। वह मान तो गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह उन्हें तोड़ती गई। शाहे बेबी और गुलाम के निर्देशन अबरार आलवी बताते हैं कि जैसे अमरोही अपने जासूस और दाहिने हाथ बाकर अली को मेकअप रूम में तब भी मौजूद रखते थे जब उनकी पत्नी का मेकअप किया जा रहा होता था। उनकी जीवनी और लेखन विनोद मेहता के कारण कुमारी को अपनी शादी के और शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। वह बताते हैं कि हालांकि अमरोही ने बार बार ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है, लेकिन उन्हें 6 अलग स्रोतों से पता चला है कि उन्हें पीड़ा हुई थी। अभिनेत्री नरगिस द्वारा साझा की गई घटनाएं इसी ओर इशारा करती है। पिंजरे के पंछी के महरूद पर अधिकार मिला और अमरोही के शाहक बाकार अली की कुमारी के साथ हिंसक बहस हुई थी। उन्होंने तुरंत अमरोही को बुलाया, जिन्होंने उसके बजाय जोर देकर कहा कि वह घर लौट आए। क्रोधित कुमारी अपनी बहन मधु के घर चली गई और फिर कभी अमरोही के पास नहीं लौटी। कुमारी और पुरानी अनिद्रा की बीमारी थी। अपने चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने नींद की गोली के विकल्प के रूप में ब्रांडी का एक छोटा पैग लेना शुरू कर दिया। 1964 में अपने पति से अलग होने के बाद ब्रांडी का एक निर्धारित पैग भारी शराब पीने के रूप में बदल गया। उसके बाद कुमारी का नाम गुलजार धर्मेंद्र सावन कुमार टाके साथ जोड़ा गया। 1938 में कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला और जून 1968 में लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे उनका इलाज हुआ। ठीक होने पर कुमारी सितंबर 1938 में भारत लौट आई और काम फिर से शुरू किया। वह स्थायी रूप से ठीक हो गई थी, लेकिन जब कमजोर हो गई लंदन से लौटने के बाद कुमारी ने पहली बार खुद का घर खरीदा, जो कार्टर रोड बांद्रा में स्थित लैंडमार्क नामक इमारत की 11वीं मंजिल पर था। पाकिस्तान की रिलीज के 3 सप्ताह बाद कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 में उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद वह कोमा में चली गई और कुछ ही समय बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। वह 38 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का कारण लीवर सिरोसिस बताया गया। उन्होंने पति की इच्छा के अनुसार उन्हें बम्बई मंचगांव के निरियावाड़ी स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। कुमारी ने अपनी समाधि के लिए निम्नलिखित गद्य का अनुरोध किया। उसने एक टूटी हुई सारंगी के साथ, एक टूटे हुए गीत के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ अपना जीवन समाप्त कर दिया।
लेकिन किसी भी अफसोस नहीं। अब उनकी इच्छा के अनुसार 11 फरवरी 1993 को बम्बई में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति को उनके बगल में दफनाया गया था। शायर नास कुमारी नाजुक नाम की एक उर्दू कवित्री थी। इतिहासकार फिलिप बाउंडर्स और शोधकर्ता डेजी हसन ने कुमारी की कविता के बारे में लिखा, कविता एक माध्यम थी जिसके माध्यम से कुमारी ने खुद को अपनी सार्वजनिक छवि से दूर कर दिया और एक उद्योग की आलोचना की जिसने उनकी पहली बार जनता के ध्यान में लाया गया। इस अर्थ में उनकी कविता उन्हें बॉलीवुड के लिए बारे में उतना ही बताती थी जितना वे अपने बारे में बताती थी। मैं लिखता हूँ, मैं सुनता हूँ, एलपी विनॉयल रिकॉर्ड के लेबल के तहत कुमारी की कविता वाला एक एल्बम 1971 में जारी किया गया था जिसके लिए मोहम्मद जहूर खय्यम ने संगीत दिया था। एल्बम में कविता स्वयं कवयित्री द्वारा लिखी सुनाई और गई थी। यह एल्बम 19 सितंबर 2006 को पुणे जारी किया गया। तन्हा चंद्र कुमारी की कविताओं का एक संग्रह गुलजार द्वारा संकलित किया गया था और 1972 को उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था। मीना कुमारी द पोएट ए लाइफ बियॉन्ड सिनेमा, जिसमें दिवंगत अभिनेत्री की कविताएं और नज्म शामिल है, भी 1914 के प्रकाशित हुई थी। कुमारी ने ऐसे फैशन ट्रेंड स्थापित किए जिसमें अभी भी भारी मांग है। जावेद अख्तर बताते हैं कि 1950 के दशक में महिला हेयर बन से लेकर पारंपरिक बिंदी तक उन्हें संयमित और गरिमा में फैशन ट्रेंड का अनुसरण करती है। निर्देशन संजय लीला बंसाली ने कहा है कि वह पाकिजा के सौंदर्य शास्त्र और जिस तरह से कुमारी ने शालीनता और सुंदरता के साथ भूमिका निभाई उनकी सराहना करते हैं। उनकी पुष्प या पारंपरिक बनारसी रेशम और कांजीवरम साड़ियाँ कभी फैशन से बाहर नहीं हुई और सभ्याच्ची मुखर्जी जैसे डिजाइनों की पसंदीदा बन गई। तजदार अमरोही ने कहा, जब 1969 में पाकिजा की शूटिंग फिर से शुरू हुई तो उनका पहला गाना मौसम है आशिकाना शूट किया गया। इस गाने के साथ कुमारी ने लुंगी पहनने वाली साड़ियों का एक नया फैशन ट्रेंड स्थापित किया था। 24 फरवरी 2016 को कुमारी की मूल प्रसाद सामग्री और यादगार वस्तुएं जिनमें उनकी फिल्मों की पेंटिंग और चित्र शामिल हैं, ओशियाना लिबर्टी मुंबई भारत के वुमनहुड फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई। अपने स्टारडम और परेशान निजी जीवन के बीच विरोधाभास के कारण कुमारी आधुनिक घटनाओं जैसे कि मास मीडिया प्रसिद्धि और उपभोक्ता संस्कृति के बारे में व्यापक चर्चाओं से निकटता से जुड़ी हुई थी। हर साल अपने जन्मदिन पर उनकी स्मृति के कई लेख छपते थे और टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित होते थे। आधुनिक पत्रिकाएं उनके निजी जीवन और कैरियर की कहानियों पर प्रकाशित करती रहती थी। 2010 में फिल्म फेयर में साहिब बीबी और गुलाम और पाकिजा में कुमारी को प्रदर्शन को बॉलीवुड ने आज से प्रतिष्ठित प्रदर्शन की सूची में शामिल किया गया। उनकी दो फिल्में अर्थात वेजू बावरा और दो बीघा जमीन और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण में सबसे महान फिल्मों में से एक माना गया था। भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर News18 द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में उनकी फिल्में पाकिजा साहेब बीबी और गुलाम और दो बीघा जमीन को अभी तक बनी 100 सस्ते फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। उन्होंने 1952 और 1961 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया पर काम किया। किस शीर्ष अभिनेत्री की सूची में दिखा गया ही दस्तान टाइम सहित विभिन्न प्रकाशनों में उन्हें बॉलीवुड के शीर्ष सेक्स प्रतीकों में से एक बताया। 2011 में रेड्डी ने उन्हें सभी समय की चौथी सबसे महान अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया, यह कहते हुए कि उनका प्रदर्शन साहेब बीबी और गुलाम किसी भी मोशन पिक्चर में किसी के भी द्वारा गृहिणी महिला द्वारा बेहतरीन में से एक है। जहां शिल्प इतना अच्छा है, यह बिल्कुल सही है कि अभिनेत्री और चरित्र के बीच एक
रेखा खींचना असंभव हो जाता है। सिंदूर सर बारे में कुमारी को एनडीटीवी द्वारा अभी सभी समय की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री की सूची के नंबर 3 पर रखा गया था। 2021 में टाइम्स आउट में उन्हें अपनी 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री की सूची में तीसरा स्थान दिया। सन 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75वीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया और सन 2023 में राजीव मसंद ने उन्हें एक ऐसी ही सूची में सूचीबद्ध किया गया। अभिनय शैली और स्वागत। अगर यह जीवित रहती तो संभव है कि वह हमारे आधुनिक बुद्धिमान लेखकों और निर्देशनों को अपनी प्रतिभा के लायक फिल्म बनाने के प्रेरित कर सकती थी। अब वह चली गई है, प्रेरणा का वह एक स्रोत चला गया। मीना कुमारी का ख्वाजा अहमद अब्बास, मीना कुमारी के क्लासिक बायोग्राफी। कुमारी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने आंसू बहाने के लिए कभी ग्लिसरीन जैसे उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभिनय के दौरान हमेशा सच्चे आंसू बहाए। अपने करियर के चरम पर वह अपनी पीढ़ी की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी और इम्पाला कार खरीदने वाली पहली अभिनेत्री थी। भारतीय फिल्म समीक्षक भावना समारोह में कहा, एक समय था जब शीर्ष नायक मीना कुमारी के साथ काम करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई थी। विनोद मेहता ने कहा कि मीना कुमारी इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह सितारे बना सकती थी या मोड़ सकती थी। कुमारी ने एक नवांगतुकों के प्रति अभिभावक कलात्मक गुरु का रवैया अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की अभिभावक कलात्मक गुरु का रवैया अपनाया। उसके साथ चिराग कहा, रोशनी कहा और राजेंद्र कुमार और एक ही रास्ता में सुनील दत्त के साथ काम किया। एक अन्य आलोचक आफिजा बानो ने उन्हें कल्पना की वस्तु और उदासी का मूल भाव बताया। कुमारी ने धर्मेंद्र को अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी मदद की और भारतीय सिनेमा के एक अभिनय करियर की स्थापना की। कथक गुरु पंडित लच्छू महाराज ने कुमारी के नृत्य की कौशल प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिस तरह से वह मूर्ति है, वह उसके कंधों के कोण स्वाभाविक रूप से उसके पास आते हैं और उसे सिखाया नहीं जा सकता। अशोक कुमार ने कहा, मीना एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी, वह बहुत चयनात्मक थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने कोई भूमिका स्वीकार कर ली तो उनका अपना दिल मना लेती थी और यह आश्चर्य की बात है कि उन्हें आज भी उनके संवेदनशील किरदारों के लिए याद किया जाता है। कभी कभी संवाद बोलते समय मैं स्क्रिप्ट में एक पंक्ति नहीं जोड़ूंगा कि, और भले ही मुझे चिंता थी कि मीना ऐसे प्रतिक्रिया देगी, वह मुझे सही प्रतिक्रिया देकर आश्चर्यचकित कर देगी। बेसु बावरा की सफलता के तुरंत बाद कुमारी अशोक कुमार के साथ डेनियल फ्रेज़र यूके के एक विज्ञापन ड्रीम हाउस में दिखाई दी। भारतीय फिल्म समीक्षक भावना सोमायो के अनुसार पाकिस्तान फिल्म सेल्यूलाइट पर कविता की तरह थी। मैं एक फिल्म में मीना कुमारी के अलावा किसी और की कल्पना नहीं कर सकता। विनोद मेहता, मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी के लेखक के एक निर्देशक ने बताया था, यहाँ तक कि दिलीप कुमार को भी उनके सामने शांत रहना मुश्किल लगता था। सेट पर कुमारी के साथ काम करने के समय राजकुमार अक्सर अपने संवाद भूल जाते थे। मधुबाला भी कुमारी की प्रशंसक थी और कहती थी कि उनकी आवाज़ सबसे अनोखी है, किसी अन्य नायिका के पास ऐसी नहीं है। सत्यजीत रे ने उन्हें निस्संदेह उच्चतम क्षमता के लिए अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि किसी ने भी मीना कुमारी की तरह संवाद नहीं बोले आज तक किसी ने भी, और शायद कभी नहीं बोला होगा। संगीत निर्देशक नौशाद ने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग मान अभिनेत्रियों पैदा कर सकता है, लेकिन कभी कोई दूसरी मीना कुमारी नहीं होंगे। हीरा मंडी के नामांकन के दौरान एक वेब सीरीज सो लाहौर की वेश्याओं के जीवन का वर्णन थी। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने स्पष्ट रूप में उसकी फिल्म पाकिसा को अपनी प्रेरणा के रूप में आदभुत किया। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी,
में वैशाल्य की मैडम की भूमिका की तैयारी के लिए कुमारी की फिल्में देखने का भी जिक्र किया। कुमारी को मर्लिन मुनरो ने बहुत सहानुभूति दी और यह तथ्य में मर्लिन के पति आर्थर मिलर उसके पति कमाल अमरोही के साथ कुछ समानताएं थी, यह पहचान को और भी करीब ला दिया। दिल अपना उपरीत प्राय में मीना कुमारी अपने व्यक्तित्व और सबसे विशिष्ट विशेषताओं में होने के कारण पाकिजा की शाही बीबी और गुलाम सहित उनकी कई फिल्मों में आंखों के लिए पलोस ऑफ सट ऑफ किए गए। अपनी युवावस्था में उनकी आंखें आग उगलती थी और आश्चर्यजनक थी। उनके रंग में एक कामुल गुण था जो आप उसे देखते थे जो आपको उसी अपनी बाहों में पकड़ने का मन करता था। मीना कुमारी पर देव आनंद। कुमारी की सबसे बड़ी पहचान विशेषकर 1950-60 के दशक की भारतीय महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने की क्षमता थी। उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को मोहम्मद जहूर, खयाम और जावेद अख्तियार जैसे भारतीय फिल्म बरादरी द्वारा आदर्श भारतीय महिला का आदर्श उदाहरण बताया गया। पाकिस्तान में सुनहरे दिल वाली एक नटखट लड़की साहिब सान का एक चित्रण का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। विमल रॉय मीना कुमारी और नौशाद फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता के विषय में। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे जैमिनी गणेशन, रामासनी गणेशन, जिनका जन्म 17 नवंबर 1920 को हुआ था और 22 मार्च 2005 में जिन्हें मंचनीय नाम जैमिनी गणेशन से बेहतर जाना जाता है और भारतीय अभिनेता ने उन्हें अपने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम किया। फिल्मों में अपनी रोमांटिक भूमिका के लिए उन्हें काथल मन्नाल रोमांस का राजा कहा जाता था। गणेशन तमिल सिनेमा के तीन सबसे बड़े नामों में से एक थे। अन्य दो एमजी रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन थे, जबकि शिवाजी गणेशन ने नाटकीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एमजी रामचंद्रन एक एक्शन हीरो के रूप में लोकप्रिय थे। जैमिनी गणेशन द्वारा रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 1971 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता उन्होंने केली फिल्म मनी, एमसीआर गोल्ड मेडल और स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे। वह उस समय तक उद्योग में प्रवेश करने वाली कुछ कॉलेज स्नातकों में से एक थी। इनका जन्म रामाशनी गणेशन 17 नवंबर 1970 को पदुकोट्टई राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके मृत्यु 22 मार्च 2005 चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुई थी। इनका अल्मा मैटर मद्रास कश्यचित कॉलेज सक्रिय वर्ष 1947 से 2004 तक रहा था। ये भागीदारों में पुष्पावल्ली, जूलिया वडरी एड्यूल, इनके बच्चे अला मेलू के साथ चार जिसमें कलमा सर्वराज भी शामिल है। पुष्पावली के साथ जिसमें रेखा बेटी भी शामिल है सावित्री के साथ। जेमिली गणेशन को 1947 में मिस मालिनी के साथ अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें 1953 की थाई एल्लम में खलनायक की भूमिका निभाने के बाद ही देखा गया। मनपोला मंगलम में मुख्य भूमिका निभाने के बाद उन्हें अंततः स्टार का दर्जा हासिल कर दिया गया। हालांकि शिवाजी गणेशन का रामचंद्रन के विपरीत जैमिनी गणेशन एक मंच कलाकार नहीं थे और कभी भी राजनीति में शामिल नहीं हुए। उन्हें अपने 5 दशक से अधिक लंबी फिल्मों कैरियर में गणेशन ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। स्क्रीन पर अपने प्रदर्शन को एम राजा और पीवी श्रीनिवास जैसे सफल पार्श्व गायकों ने बढ़ाया है। अपने प्रसिद्ध फिल्मी कैरियर के बावजूद गणेशन का निजी जीवन विशेष रूप से प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री सावित्री सहित कई महिलाओं से उनका विवाह अक्सर आलोचना का विषय रहा है। उनके 8 बच्चे थे जिसमें अभिनेत्री रेखा भी शामिल थी। जैमिनी गणेशन का जन्म देवदासी परिवार में हुआ था।
1920 में रामास्वामी गणेशंस के रूप में रामास्वामी और देवदासी गंगामल के घर गणेशंस के दादा नारायण स्वामी महाराज कॉलेज पदुकोटे के प्रिंसिपल थे। बाद में जीवन में अपनी पहली पत्नी के खोने के बाद नारायण स्वामी एक देवदासी लड़की चंद्रम्पा के साथ रहे, जो एक मंदिर में संगीतकार और नृत्यक के रूप में काम करती थी। चंद्रप्पा के साथ नारायण स्वामी की संतानों में मधुलक्ष्मी और जैमिली गणेश के पिता राम स्वामी उल्लेखनीय थे। जब गणेशंस छठी कक्षा में थे तब उनके दादा की मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इस बीच मधुलक्ष्मी रेड्डी के नाम से जानी जाती है ने अच्छी पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। वह संपन्न और शिक्षित थी और अपनी माँ और नाना के पूर्वजों द्वारा अपनाई जाने वाली जीवन शैली को पूरी तरह से त्याग दिया था। यहाँ तक कि वह देवदासी प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुधार आंदोलन की नेता बन गई। उन्होंने देवदासी उन्मूलन अधिनियम को संसद से प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पिता की मृत्यु के बाद गणेशंस अपनी माँ भागीरथी के साथ मद्रास, जब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, अपनी चाची मधुलक्ष्मी के घर चले गए। मधुलक्ष्मी ने अपनी माँ चंद्रप्पा और भागीरथी और गणेशंस को भी आश्रय दिया, लेकिन वह अपने बेसहारा रिश्तेदारों के प्रति बहुत अपेक्षापूर्ण और अपमानजनक थी और उन्हें उनकी पृष्ठभूमि के कारण शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसके दोनों विधवा महिलाओं को बहुत अपमानित किया और यह सुनिश्चित किया कि वह घर आने वाले किसी भी मेहमान को अपना चेहरा न दिखाए। स्थिति से नाखुश चंद्रम्मा और भागीरथी पदुकट्टो लौट आए। हालांकि उन्होंने गणेशंस को अपनी चाची के पास छोड़ दिया ताकि वह एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति बन सके। चूंकि मधुलक्ष्मी रामकृष्ण को प्रबल अनुयायी थी, इसलिए उन्होंने गणेशंस को रामकृष्ण मिशन होम में दाखिला दिलाने के लिए फैसला दिया। वहां रहते हुए उन्होंने योग और भाषाएं सिखाई गई भगवद गीता पढ़ने को कहा गया। हालांकि वे अपनी माँ से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो पदुकोट्टई में भी थी, इसलिए वे अपने मूल स्थान लौट आए और वहाँ एक हाई स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने उसी स्थान पर स्थित महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज चेन्नई से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। गणेशंस का सपना डॉक्टर बनने का था। अप्रैल 1940 को टीआर अलामेलू में देखने के लिए त्रिचोनीपोली अब एक अलामेलू के पिता में उनकी बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और स्नातक होने के बाद उसे मेडिकल सीट देने का वादा किया। गणेशंस तुरंत सहमत हो गए और जून 1940 को अलामेलू से शादी कर ली। शादी के एक महीने के भीतर ही अलामेलू ने अपने पिता और बड़ी बहन को खो दिया। गणेशंस का डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। उसके बाद तुरंत नौकरी ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उसने भारतीय वायुसेना का साक्षात्कार किया। अलामेलू की इच्छा के विरुद्ध गणेशंस दिल्ली चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात उनके चाचा नारायण स्वामी से हुई, जहाँ उन्होंने शिक्षक बनने की सलाह दी। अंततः गणेशंस ने मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज में रसायन विज्ञान से व्याख्या के रूप में काम किया। बाद में 1947 में मिजेन स्टूडियोज में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम मिला, जहाँ उनके नाम के आगे जर्मनी शीर्षक जोड़ा गया। स्टूडियो में कास्टिंग डिपार्टमेंट से ही उनकी फिल्म में डेब्यू हुआ। कास्टिंग विभाग में गणेशन ने 1947 में व्यंग मिस मालिनी के साथ एक छोटी भूमिका में अपनी फिल्म की शुरुआत की। यह फिल्म जो आर के डॉलर की कहानी पर आधारित थी और इसमें उनकी अपनी भावी मालकिन पुष्पावली के साथ काम किया था, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही क्योंकि उसे शीर्षक का अपने समय में आगे माना गया और बुद्धिजीवियों द्वारा उसे खूब सराहा गया। इस फिल्म को कोई भी प्रिंट जीवित रहने की जानकारी नहीं है, जिससे यह एक खोई हुई फिल्म बन गई। इसके बाद चक्रधारी
आए और उन्हें हिंदू भगवान कृष्ण की एक छोटी भूमिका निभाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन उनकी अभिनय पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1953 जब उन्होंने थाई उल्लम की नकारात्मक भूमिका निभाई जब उन लोगों ने उन्हें अभिनेता के रूप में नोटिस किया गया। अगले वर्ष जब जैन स्टूडियो की फिल्म गुदुरु फिल्म में सहायक भूमिका में नजर आए तो सफल फिल्म ओम प्रकाश ने। इस फिल्म का छायांकन किया है टी मुथुस्वामी ने। इस फिल्म को संपादित किया है के शंकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है AVM प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है AVM प्रोडक्शंस द्वारा। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 15 फरवरी 1957 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई फिल्म है। मीना कुमारी जो बाद में एक त्रासदी की रानी के रूप में अपनी त्रासदीपूर्ण भूमिका के लिए मशहूर हुई। उन्होंने 1950 के दशक में आज़ाद, मेम साहब, शरारत जैसी फिल्मों में कुछ हल्की फुल्की भूमिका निभाई है। 1979 की फिल्म कोहिनूर को मिस मैरी जेमिनी कनेक्शन, जिन्हें एक फिल्म के साथ हिंदी भाषा फिल्म निर्देशकों से परिचित किया गया था, और मीना कुमारी के लिए मैरी मिस उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। यह फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी है जिसमें मीना कुमारी, जिन्होंने नियमित रूप से दुखद भूमिका निभाई है, ने अपने दुर्लभ हास्य अभिनय में से एक का प्रदर्शन किया है। कहानी अरुण जेमिनी गणेशन के बारे में है जो एक बेरोजगार शिक्षक है जिसे लक्ष्मी स्कूल में नौकरी की पेशकश करने वाला एक विज्ञापन मिलता है जिसमें वह प्रवादन है कि केवल विवाहित जोड़े ही आवेदन कर सकते हैं। उसकी मुलाकात एक ईसाई लड़की मिस मैरी मीना कुमारी से होती है जिसे अपने माता पिता का कर चुकाने के लिए नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वह अपनी पत्नी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए सहमत हो जाती है। वे दिखावा जारी रखने के लिए एक भिखारी सह धोखेबाज नागदाऊ ओम प्रकाश को नौकर के रूप में नियुक्त करते हैं। स्कूल के मालिक राय साहब और उसकी पत्नी अपने लंबे समय में खोई हुई बेटी लक्ष्मी की तलाश कर रहे हैं जो 16 साल पहले लापता हो गई थी, जिसे बांधने वाली एकमात्र चीज एक लॉकेट और फार्म की एक पहचान चिन्ह है। उसके बाएं पैर पर एक तिल है जो उसे ढूंढने के लिए जासूस राजू के नियुक्त किए करते हैं। राजू एक अनाथ है जिसे राय साहब ने भतीजे के रूप में पाला है। वृद्ध दंपति मैरी में अपनी बेटी की समानता पाते हैं और उसे लक्ष्मी की एक तस्वीर दिखाते हैं जो उसके जैसे दिखती है। मैरी उन्हें बताती है कि वह उनकी बेटी नहीं बन सकती क्योंकि उसे ईसाई माता पिता ने ईसाई माहौल में पाला है। मैरी को राय साहब और उसकी पत्नी ने अपनी शादीशुदा स्थिति के बारे में झूठ बोलना बुरा लगता है। लगातार झगड़ों के बावजूद वह और अरुण एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मालिक की दूसरी बेटी और मैरी की जैविक बहन सीता को अरुण से प्यार है जो मैरी को परेशान करता है। राजू और उसके दोस्त से जुड़े कई हास्य दृश्य हैं। मैरी के राय साहब की बेटी लक्ष्मी होने की सच्चाई तब सामने आती है जब उसका पालक माता पिता आते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। मीना कुमारी लक्ष्मी मैरी के रूप में है, जेमिनी गणेशन अरुण के रूप में है, राजू के रूप में किशोर कुमार है, सीता के रूप में जमुना है, लक्ष्मी और सीता के रूप में अर्चना सचदेव है। जगदीश सेठी राय साहब लक्ष्मी के माता पिता के रूप में है, जोन के रूप में रणधीर है, नोकटाओ के रूप में ओम प्रकाश है, मारुति राव परब साक्षात्कारकर्ता के रूप में है, लक्ष्मी के पालक पिता के रूप में शिवराज है, एक करुणा नदी के रूप में है, वेजी के रूप में केशरी है। संगीत और पृष्ठभूमि शंकर हेमंत को द्वारा रचित था और गीत राजेंद्र किशन द्वारा लिखे गए थे। गाने लोकप्रिय थे, खासकर किशोर कुमार द्वारा गाया गया गाना ना आया बजाना ना आया, लता द्वारा गाया गया ये मर्द बड़े दिलशर बड़े बेदर्द और रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे,
वृंदावन का किशन कन्हैया मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जिन्होंने पहली बार लाडली 1949 में एक साथ गाना गाया था ने फिल्म में एक युगल गीत गाया था, सखी री सुन बोले पपीहा उस पार। आशा अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर और अन्य उस्तादों से प्रशिक्षण की कमी के बावजूद सही समय रखते हुए अपने सरगम तान से लता का अनुसरण करने में सक्षम थी। हालांकि किशोर कुमार उस फिल्म में नायक नहीं है, लेकिन उन्होंने गाना ना आया गाने में अपनी अपार संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ओ माई सीता पपलू पपीता जिसे पागल भर भरे गीतों के साथ यह गीत विभिन्न संगीतों रूपों और शैलियों का एक अनोखा मिश्रण है, जिसमें नर्सरी कविता थ्री बॉन्डेड वॉइसेस भी शामिल है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मीना कुमारी के विषय में। मीना कुमारी महज बिन बानो, जिनका जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1972 में हुई है, एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। द ट्रेजेटो क्वीन में नाम से लोकप्रिय हैं उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 33 साल के अपने कैरियर में बाल अभिनेत्री से वयस्क तक कुमारी ने 90 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म महज बिन बानो 1 अगस्त 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ है। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1972 मात्र 38 वर्ष की आयु में मुंबई बम्बई महाराष्ट्र भारत में हुआ है। इनका दफन जगह रहमतवा कब्रिस्तान मुंबई में है। इन्हें अन्य नामों त्रिशदी रानी। यह व्यवसाय से अभिनेत्री कवि गायक पोशाक बनाने वाली थी। इनका सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रहा है। इनका जीवन साथी कमाल अमरोही, जिनसे इन्होंने 1952 में विवाह किया था और सितंबर 1964 में छोड़ दिया था। इनके रिश्तेदार अली अमरोही है। पुरस्कार की इनकी सूची है। संगीत शैलियों में इनकी फिल्में और गजल हैं। इनका लेखन कैरियर उपनाम से नाज है। कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। वह 1954 में बेसू बावरा के लिए प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रही थी और परिणीता के रूप में अपने फिल्मफेयर पुरस्कार 1955 में लगातार जीत हासिल की थी। कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और शाही बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। 13वें फिल्मफेयर पुरस्कार 1966 में उन्होंने अपनी आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार काजल के लिए जीता। आलोचकों ने कहा है कि शाही बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान है। वह अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी, जैसे 2 बीघा जमीन, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल का मंदिर, फूल और पत्थर, मेरे अपने। 1960 के दशक के अंत तक कुमारी शराब की आदी हो गई, जिसका असर उनकी बाद की फिल्मों में भी दिखाई दिया। कुमारी एक कवि और पार्श्व गायिका भी थी, जिन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपनी कविताओं के लिए गीत गाए, जो एक एल्बम आई शाइट में सामने आए। उन्होंने पकीजा में वेशभूषा भी डिजाइन की। 31 मार्च 1972 को कुमारी की मृत्यु 38 वर्ष की आयु में लीवर सिरोसिस से हुई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। आइए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेत्री के प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में। मीना कुमारी का जन्म महज बिन नाम के साथ 1 अगस्त 1933 को अलीबख्श और इकबाल बेगम
के घर में हुआ था। अरिबक्श के लिए एक बड़ी निराशा थी क्योंकि वह एक बेटा चाहते थे। वह दूसरी बेटी थी और उसकी दो बहनें थीं, बड़ी का नाम खुशी जूनियर और छोटी का नाम भैलिका, मधु के नाम से जाना जाता। और वह पूर्व बाल कलाकार में अभिनेता महमूद से शादी की थी। उसके पिता उसके डिलीवरी के लिए डॉक्टर को भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अपना मन बदल लिया और उसे वापस घर ले गए। एक बच्चे के रूप में कुमारी फिल्मी कैरियर बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी और स्कूल जाना पसंद करती थी। उसके बावजूद उसके माता पिता उसे काम के अवसरों के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे। निर्देशक विजय भट्ट ने महसबीन को फिल्म लेदरफेस में कास्ट किया और काम के पहले दिन उन्हें रुपयों का भुगतान किया गया 25। लेदरफेस 1939 में रिलीज हुई थी। वह बहुत कम उम्र में बॉक्स ऑफिस में कमाने वाली बन गई। 1962 में दिए गए एक साक्षात्कार में कुमारी ने बताया कि इन तथ्यों में से उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता का समर्थन किया था। उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने एक नियमित स्कूल में भर्ती कराया गया जहाँ लेकिन काम की मांगों के कारण उसका पाठ्यक्रम बक्षण बाधित होता था। वह किसी भी सार्थक अर्थ में स्कूल नहीं गई, इसलिए उसकी शिक्षा निजी ट्यूशन और स्वयं शिक्षा का परिणाम थी। कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श नाम के एक सुन्नी मुस्लिम थे जो भेरा पाकिस्तान से आए थे। वह पारसी थिएटर के अनुभवी थे, हारमोनियम बजाते थे, उर्दू कविता लिखते थे, संगीत लिखते थे और कुछ फिल्मों में छोटी भूमिका भी निभाते थे। कुमारी की माँ इकबाल बेगम, जिसका मूल नाम प्रभावती देवी था, वह ईसाई थी। उन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम अपना लिया। इकबाल बेगम अली बख्श की दूसरी पत्नी थी। अली बख्श से मिलने और शादी करने से पहले वह एक स्टेज अभिनेत्री थी और कहा जाता है कि बंगाल के टैगोर परिवार से संबंधित थी। कुमारी की दादी हेम सुंदरी टैगोर और तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दूर के चचेरे भाई की बेटी या विधवा थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने परिवार ने उसे मेरठ जाने के लिए मजबूर किया जहां वह एक नर्स बन गई। उन्होंने प्यारे लाल शाकिर मेरठी नामक एक ईसाई से शादी की जो उसे उर्दू पत्रकार थे और उन्होंने अपना नाम दिया। ईसाई धर्म उसकी दो बेटियां थीं जिनमें से एक कुमारी की माँ प्रभावती थी। कुमारी ने 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत में लगातार विजय भट्ट प्रस्तुतियों में काम किया। लेदर फेस, अधूरी कहानी, पूजा और एक ही भूल मेल नामांकन के दौरान भट्ट ने महसबीन को बेबी मीना नाम दिया। उसके बाद और भी फिल्में आई जिससे नई रोशनी, बहने, कसौटी, विजय, गरीब प्रतिज्ञा और लाल हवेली। रमनी प्रोडक्शंस की फिल्म बच्चों का खेल में उन्होंने मीना कुमारी के नाम का कास्ट किया गया था। मीना कुमारी के जीवन में सबसे बड़ा झटका उसकी मां की मृत्यु थी जो 25 मार्च 1947 को चल बसी। दुनिया एक सराय, पिया घर आजा और बिछड़े बालम उनकी कुछ शुरुआती फिल्में थीं जिनमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। 1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान प्रौनानिक या काल्पनिक फिल्मों की ओर स्थानांतरित कर दिया। वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, लक्ष्मी नारायण, हनुमान पाताल विजय और अलादीन और जादुई चिराग जैसी फिल्में थीं जिनमें उन्हें श्रेय दिया गया था। अन्य फिल्में जिसे मगरूर, अपना घर, सनम, मदहोश और तमाशा में अधिकांशत कलाकारों की समूह ही थी। कुमारी का उत्पादन उनके गुरु विजय भट्ट के संगीत में फिल्म बेसू बावरा से हुआ। 1952 बेसू बावरा कुमारी की फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। उसकी सफलता के बाद वह हिंदुस्तान लीवर उत्पादकों की एक लोकप्रिय सौंदर्य साबुन के कैलेंडर में एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित हुई।
1953 परिणीता बिमन रॉय द्वारा निर्देशित अशोक कुमार और कुमारी मुख्य भूमिका में नई कुमारी को अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिलाया। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1914 के बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। विमल रॉय द्वारा निर्देशित एक और फिल्म दो बीघा जमीन ने 1954 में कॉन्स के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऐसा करने वाली है फिल्म भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म कुमारी के एकमात्र अतिथि भूमिका भी थी। फुटपाथ जिया साहिदी द्वारा निर्देशित दिलीप कुमार के साथ कुमारी का पहली फिल्म थी। यह फिल्म की आजीविक गोद की किताब 40 रिटेक्स बॉलीवुड क्लासिक्स यू मे हैव मिस्ड में दिखाया गया था। दायरा कमाल अमरोहा एक लिखित और निर्देशित थी जिसमें कुमारी नासिर खान और नाना पलिश्कर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अन्य फिल्मों में नौलखा हार और दाना पानी शामिल है। 1954 की चांदनी चौक 1954 की बिहार चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक मुस्लिम सामाजिक ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। पाडान फनी मजूमदार निर्देशित इसमें कुमारी देव आनंद अशोक कुमार उषा किरण जैसे स्टार कलाकार शामिल थे। इल्जाम आरसी तलवार द्वारा निर्देशित कुमारी और किशोर कुमार द्वारा अभिनीत का भी प्रेशर हुआ है। 1955 त्री रामालू नायडू एम एस द्वारा निर्देशित आजाद में कुमारी ने कॉमेडी में दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया। यह उस वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और इसमें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर द्वारा गाना गाया गया। अपलम चपलम भी शामिल था। ऐदल ए जहांगीर जी पी सिप्पी द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी। यह बॉक्स ऑफिस पर वैवाहिक सफल रूप से सफल रही। सत्येन बोस द्वारा निर्देशित बंदिश इसमें कुमारी अशोक कुमार और डेजी ईरानी ने अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही रुखसाना आरती तलवार द्वारा निर्देशित थी और इसमें कुमारी और किशोर कुमार ने अभिनय किया था। 1956 में मेम साहब आरजी तलवार द्वारा निर्देशित कुमारी को पहली बार शम्मी कपूर के साथ दिखाया गया। कुमारी ने आधुनिक अवतार को दर्शकों ने खूब सराहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। एक ही रास्ता विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण बे आर चोपड़ा ने किया था। इसमें नवांगतक सुनील दत्त अशोक कुमार और डीजो ईरानी ने साथ कुमारी ने अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और 25 सप्ताह से अधिक समय तक प्रदर्शित की गई जो जुबली हिट रही। बंधन हेमचंद चंद्र द्वारा निर्देशित लोकप्रिय बंगाली उपन्यास मंत्र शक्ति पर आधारित थी। इसमें कुमारी और प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट में सम्मानित किया गया। नया अंदाज के अमरनाथ द्वारा निर्देशित जिसमें कुमारी और किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे। एक संगीत में हिट थी हलाकू एक ऐतिहासिक डीडी कश्यप द्वारा निर्देशित थी जिसमें कुमारी प्राण मीनू मुमताज राज मेहरा और हेलेन शामिल है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सिल्वर जुबली बनाई। 1957 एल वी प्रसाद द्वारा निर्देशित शारदा राज कपूर के साथ कुमारी की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म को बड़ी आलोचनात्मक सफलता मिली और यह 1957 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मिस मैरी एल वी प्रसाद द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें कुमारी और जेमिनी गणेशन ने अभिनय किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। 1958 लेखराज भकारी द्वारा निर्देशित सहारा के लिए कुमारी और फिल्म फेयर नामांकन मिला। विमल रॉय द्वारा निर्देशित याहूदी में कुमारी दिलीप कुमार सोरा मोदी नजीर हुसैन और निगार मुल्ताना ने अभिनय किया। यह रोमन साम्राज्य में यहूदियों से उत्पादन के बारे में पारसी उर्फ थिएटर के एक
क्लासिक आगार हशार कश्मीरी के नाटक यहूदी की लड़की पर आधारित था। मुकेश द्वारा गाया गया गीत ये दीवानापन है के साथ फिल्म फेयर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फरिश्ता और सवेरा सत्येन बोस द्वारा निर्देशित और अशोक कुमार और कुमारी नायक थे। फिल्मों को औसत से ऊपर रिंगेट दी गई। 1969 चिराग कहाँ रोशनी कहाँ द्वारा निर्देशन और निर्माण देवेंद्र गोयल ने किया था। मैं कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार और हनी ईरानी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और कुमारी और उसके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्म फेयर नामांकन मिला। चार दिल चार राहें ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित थी, जिसमें कुमारी राज कपूर शम्मी कपूर कुमकुम और निम्मी जैसे स्टार कलाकार थे। फिल्म को आलोचकों के गर्मजोशी से बड़ी समीक्षा मिली। शरारत 1969 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे हरनाम सिंह रिविल ने लिखा और निर्देशित किया, जिसमें कुमारी किशोर कुमार राजकुमार और कुमकुम ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें किशोर कुमार द्वारा गाया गया हम मतवाले नौजवान था। रेखराज बकारी द्वारा निर्देशित फिल्म चांद 1969 की फिल्म प्रदर्शित उनकी अन्य फिल्में अर्धागिनी सट्टा बाजार मथु और जहांगीर थी। नदीरा के कुछ मुख्य रोमांटिक ड्रामा भी रचित थे, इसमें कुमारी राज कपूर शम्मी कपूर कुमकुम और निम्मी जैसे स्टार कलाकार थे। फिल्म को आलोचकों से गर्मजोशी में बड़ी समीक्षा मिली। शरारत 1969 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे हरनाम सिंह रिविल ने लिखा और निर्देशित किया, इसमें कुमारी किशोर कुमार राजकुमार और कुमहुम ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें किशोर कुमार द्वारा गाया गया हम मत वाले नौजवान था। लेखराज पकारी द्वारा निर्देशित फिल्म चांद 1969 के प्रदर्शित उनकी अन्य फिल्में अर्धांगिनी सट्टा बाजार मधु और जहांगीर थी। 1960 दिल अपना और प्रीत पराय किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा थी जिसे फिल्म में कुमारी राजकुमार और नदीरा ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में एक सज्जन की कहानी बताती है जिसे एक पारिवारिक मित्र की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि वह कुमारी अपना निभाए गए एक सहकर्मी नर से प्यार करता है। यह उनके लेखनीय अभिनय में से एक है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है और इसमें लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हिवायन थीम वाले अजीब दास्तां है ये को दिखाया गया है। बहाना कुमार द्वारा निर्देशित में कुमारी सज्जन महमूद हिलेन प्रेमिला सुलोचना लाटकर और शीला वाज जैसी स्टार कौष्टी कोहिनूर ऐसी सनी। 1961 भाभी की चूड़ियां सदा शिवजे रो कवि द्वारा निर्देशित एक पारिवारिक ड्रामा थी जिसमें कुमारी और बलराज साहनी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। जिंदगी और ख्वाब एस बनर्जी द्वारा निर्देशित और राजेंद्र कुमार द्वारा अभिनीत भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। प्यार का सागर कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक प्रशंसा और शाही बीबी और गुलाम के विषय में। गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार आलवी द्वारा निर्देशित फिल्म शाही बीबी और गुलाम में कुमारी ने छोटी बहू की भूमिका निभाई थी। बिमन मित्रा के व बंगाली उपन्यास शाही बीबी और गोलम पर आधारित है। फिल्म में कुमारी गुरुदत्त रहमान और वहीदा रहमान है, जिसका संगीत हेमंत कुमार का है और गीत शकील बदायूं ने कहा है। यह फिल्म वीके मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी और गीता दत्त द्वारा किए गए गाने ना जइयो सैया छोड़ू ना भैया और पिया ऐसो जियो में के लिए प्रसिद्ध है। साहेब बेबी और गुलाम के लिए शराब्स के अत्यधिक सेवन से जुड़ी भरी उपस्थिति में दिखाई देने के लिए उन्होंने अपनी नाक के नीचे केंद्रित ईओडी कोलोन लगाया। जलन ने उसे एक शराबी की दृश्य उपस्थिति प्राप्त करने में मदद की।
फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सही 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और 13वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामांकित किया गया, जहां कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, जिसे ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 1962 में फनी मजूमदार द्वारा निर्देशित आरती में कुमारी आरती की मुख्य भूमिका में है, जिसे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और शशिकला प्रमुख भूमिकाओं में है। इस फिल्म के लिए कुमारी ने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। मैं चुप रहूंगी ए भीम सिंह द्वारा निर्देशित, जिसमें कुमारी और सुनील दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे, साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और कुमारी और उसके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1963 सी वी श्रीधर द्वारा निर्देशित दिल एक मंदिर, जिसमें कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया था। व्यावसायिक रूप से सफल रहे अकेली मज्जयो नंदलाल यशवंतलाल द्वारा निर्देशित कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी है, किनारे किनारे का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था, जिसमें कुमारी देवानंद और चेतन आनंद मुख्य भूमिकाओं में थे। 1964 सांझ और सवेरा हरिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें कुमारी, गुरुदत्त और महमूद ने अभिनय किया। बेंजी एस खलील द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म है, जिसमें कुमारी, अशोक कुमार, शशि कपूर और तनुजा ने अभिनय किया था। किदार शर्मा द्वारा निर्देशित चित्रलेखा कुमारी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा अभिनीत भगवती चरण वर्मा ने इसी नाम से 1934 में हिंदी उपन्यास पर आधारित है। कुमारी और सुनील दत्त अभिनीत गजल युवा पीढ़ी में अपनी पसंद की शादी के अधिकार के बारे में एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म है। मैं भी लड़की हूँ का निर्देशन इसी त्रिलोक चंदर ने किया था। फिल्म में नवांगुतुक धर्मेंद्र के साथ कुमारी है। 1965 राम महेश्वरी द्वारा निर्देशित काजल में कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मनी, हिलेन, महमूद और मुमताज ने अभिनय किया। फिल्म को 1965 की शीर्ष 20 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया था। काजल ने के लिए अपना 4th फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह फिल्म मूल रूप से गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर आधारित थी। कालिदास और निर्देशित भीगी रात, जिसमें कुमारी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा मुख्य भूमिकाओं में थी, साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। नरेंद्र सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म पूर्णिमा में कुमारी और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में है। 1966 ओ पी रलहन द्वारा निर्देशित फूल और पत्थर के कुमारी और धर्मेंद्र द्वारा मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट रही, जिसमें धर्मेंद्र और स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पिंजरे के पक्षी फिल्म को निर्देशन के सलील चौधरी ने किया था, जिसमें कुमारी, बलराज सहानी और महमूद मुख्य भूमिका में थे। 1967 की मंजली दीदी का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और इसमें धर्मेंद्र के साथ कुमारी भी थी। है फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 41वें एकादमी पुरस्कार में भारत की ओर प्रवेश की थी। फिल्म बहू बेगम का निर्देशन एम सात्विक ने किया था, जिसमें कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। फिल्म में रोशन का संगीत और साहिल लुधियानावती ने गीत किया। नूर शाह का ऐतिहासिक फिल्म है, जिसमें कुमारी और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था, जिसमें हेलन और जॉनी वॉकर छोटी भूमिकाओं में है। यह महारानी नूर शाह और उसके पति मुगल सम्राट जहांगीर की महाकाव्य प्रेम कहानी का नाटक है। फिल्म चंदन का पालना का निर्देशन इस्माइल मेमन ने किया था, जिसमें कुमारी और धर्मेंद्र ने अभिनय किया था। आफ्टर द एक्पल्स एस सुखदेव द्वारा निर्देशित और वाराणसी के उपनगरीय इलाके में फिल्माए गए 37 मिनट के रंगीन
डॉक्यूमेंट्री में कुमारी की आवाज़ के साथ साथ अभिनेता शशि कपूर की आवाज़ भी शामिल। 1968 याकूब हसन रिवीजी द्वारा निर्देशित बहारों की मंजिल एक सस्पेंस थ्रिलर थी जिसमें कुमारी धर्मेंद्र रहमान और फरीदा जलाल ने अभिनय किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म अभिलाषा का निर्देशन अमित बोस ने किया था। कलाकारों में कुमारी, संजय खान और नंदा शामिल हैं। कैरियर में मंदी और अंतिम कार्य। 1970 के दशक की शुरुआत में कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय उन्मुख का चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित कर दिया। 1970 जवाब का निर्देशन रमन्ना ने किया था जिसमें कुमारी, जितेंद्र, लीना चंदवाकर और अशोक कुमार ने अभिनय किया था। सात फेरे का निर्देशन सुंदरधर ने किया था जिसकी कुमारी, प्रदीप कुमार और मुकरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित मेरे अपने उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। यह फिल्म में कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिका में थे। साथ ही देवेन वर्मा, पटेल, आशीष सेन, असरानी, डैनी डेंजोगपा, किस्टो मुखर्जी, ए के हेंगल, दिनेश ठाकुर, महमूद और योगिता बाली भी शामिल थे। दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित दुश्मन ने कुमारी, रहमान और राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे जबकि मुमताज मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट शामिल हुई। 1972 में सावन कुमार ठाकुर निर्देशित गोमती के किनारे उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी जिसमें कुमारी, संजय खान और मुमताज ने अभिनय किया था। गोमती के किनारे कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई और यह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पाकिजा के विचार 1954 में अस्तित्व में आया। उसके बाद 1956 में मोहर लग गई कुमारी के अद्भुत, और यह जानते हुए कि उनके पास सीमित समय बचा है उन्होंने इसे जल्दी पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अपने स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट के बावजूद उन्हें अपने प्रदर्शन के अंतिम रूप दिया गया। 3 फरवरी 1972 को सेंट्रल बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में पाकिजा का भव्य प्रीमियर हुआ और प्रिंट को एक सुसज्जित पालकी में ले जाया गया। फिल्म अंततः अगले दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकिस्तान के 33 सप्ताह तक सफल प्रदर्शन कहा और यहां तक कि अपनी रजत जयंती भी मनाई। कुमारी को मरणोपरांत पाकिस्तान के लिए अपना 12वां और आखिरी फिल्म फेयर नामांकन प्राप्त हुआ। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ने 1973 में पाकिजा के लिए कुमारी को विशेष पुरस्कार दिया। पार्श्व गायक के रूप में कैरियर। कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1945 तक बहने जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में गाना गाया। ये गायिका के रूप में अपनी दुनिया, एक सराय, पिया घर आजा, बिछड़ी बलम और पिंजरे के पक्षी जैसी फिल्मों के लिए गाना उन्होंने पाकिजा के लिए भी गाना गाया। हालांकि इस गाने का इस्तेमाल फिल्म में नहीं किया गया था। बाद में उसे पाकिजा रंग बारंग एल्बम में रिलीज किया गया। 1938 के फिल्म जेलर के लिए बाल कलाकार की तलाश के दौरान कमाल अमरोही की मुलाकात कुमारी से हुई। वर्षों बाद तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने उन्हें कुमारी से मिलवाया। उसके बाद से उन्हें अपनी आगामी फिल्म अनारकली में मुख्य भूमिका की पेशकश की। अनुबंध पर 13 मार्च 1951 की हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन 21 मार्च 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे लौटते समय कुमारी एक कार दुर्घटना में शामिल हो गई। बाएं हाथ में चोट लगने के कारण उन्हें पुणे से शुषन अस्पताल में भर्ती किया गया और अमरोही नियमित रूप से उनसे मिलने जाते थे। अस्पताल में यह प्रेम प्रसंग 4 महीने तक चलता रहा। दुर्घटना के कारण कुमारी की बाई छोटी उंगली जीवन भर के लिए बंद गई। शूटिंग के दौरान वह अपने बाएं हाथ को दुपट्टे या साड़ी में ढक लेती थी। अंततः फिल्म अनारकली बंद हो गई। 14 फरवरी 1952 को कुमारी और अमरोही ने एक कादी और कुमारी की छोटी बहन महलिका की उपस्थिति में एक साधारण निकाह समारोह में गुप्त रूप से शादी कर दी।
समारोह के बाद नवजोत जोड़े अलग हो गए, अमरोही आयान के लिए रवाना हो गए और कुमारी और मधु घर लौट आए। शादी और परिवार और मीडिया से गुप्त रखा गया था। हालांकि अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पिछली पहली पत्नी ने 3 बच्चे थे। कई महीनों के बाद शादी लीक हो गई और अली बॉक्स ने तलाक की सिफारिश की। कुमारी अपने निर्णय पर अड़ी रही लेकिन उनके पिता के घर में ही रही। इस बीच अमरोही ने 1953 में दायरा नामक एक फिल्म की योजना बनाई और कुमारी जो अब तक पत्नी है को कॉस्ट करने का फैसला किया। उसने असफल करने और पिता की अनुमति मांगी, फिर अपने पति के निवास शयन के लिए रवाना हो गई। अपनी शादी के बाद अमरोही ने कुछ शर्तों पर कुमारी को अपना अभिनय करियर जारी रखने की अनुमति दी। वह मान तो गई लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह उन्हें तोड़ती गई। शाहे बेबी और गुलाम के निर्देशन अबरार आलवी बताते हैं कि जैसे अमरोही अपने जासूस और दाहिने हाथ बाकर अली को मेकअप रूम में तब भी मौजूद रखते थे जब उनकी पत्नी का मेकअप किया जा रहा होता था। उनकी जीवनी और लेखन विनोद मेहता के कारण कुमारी को अपनी शादी के और शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। वह बताते हैं कि हालांकि अमरोही ने बार बार ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है लेकिन उन्हें 6 अलग स्रोतों से पता चला है कि उन्हें पीड़ा हुई थी। अभिनेत्री नरगिस द्वारा साझा की गई घटनाएं इसी ओर इशारा करती है। पिंजरे के पंछी के महरूद पर अधिकार मिला और अमरोही के शाहक बाकार अली की कुमारी के साथ हिंसक बहस हुई थी। उन्होंने तुरंत अमरोही को बुलाया जिन्होंने उसके बजाय जोर देकर कहा कि वह घर लौट आए। क्रोधित कुमारी अपनी बहन मधु के घर चली गई और फिर कभी अमरोही के पास नहीं लौटी। कुमारी और पुरानी अनिद्रा की बीमारी थी। अपने चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने नींद की गोली के विकल्प के रूप में ब्रांडी का एक छोटा पैग लेना शुरू कर दिया। 1964 में अपने पति से अलग होने के बाद ब्रांडी का एक निर्धारित पैग भारी शराब पीने के रूप में बदल गया। उसके बाद कुमारी का नाम गुलजार धर्मेंद्र सावन कुमार टाके साथ जोड़ा गया। 1938 में कुमारी को लीवर सिरोसिस का पता चला और जून 1968 में लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे उनका इलाज हुआ। ठीक होने पर कुमारी सितंबर 1938 में बाहर लौट आई और काम फिर से शुरू किया। वह स्थायी रूप से ठीक हो गई थी लेकिन जब कमजोर हो गई लंदन से लौटने के बाद कुमारी ने पहली बार खुद का घर खरीदा जो कार्टर रोड बांद्रा में स्थित लैंडमार्क नामक इमारत की 11वीं मंजिल पर था। पाकिस्तान की रिलीज के 3 सप्ताह बाद कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 में उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद वह कोमा में चली गई और कुछ ही समय बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। वह 38 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का कारण लीवर सिरोसिस बताया गया। उन्होंने पति की इच्छा के अनुसार उन्हें बम्बई मंचगांव के निरियावाड़ी स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। कुमारी ने अपनी समाधि के लिए निम्नलिखित गद्य का अनुरोध किया। उसने एक टूटी हुई सारंगी के साथ, एक टूटे हुए गीत के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ अपना जीवन समाप्त कर दिया लेकिन किसी भी अफसोस नहीं। उनकी इच्छा के अनुसार 11 फरवरी 1993 को बम्बई में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति को उनके बगल में दफनाया गया था। शायर कुमारी नाजुक नाम की एक उर्दू कवित्री थी। इतिहासकार फिलिप बाउंडश और शोधकर्ता डेजी हसन ने कुमारी की कविता के बारे में लिखा, कविता एक माध्यम थी जिसके माध्यम से कुमारी ने खुद को अपनी सार्वजनिक छवि से दूर कर दिया और एक उद्योग की आलोचना की जिसने उनकी पहली बार जनता के ध्यान में लाया गया। इस अर्थ में उनकी कविता उन्हें बॉलीवुड के लिए बारे में उतना ही बताती थी जितना वे अपने बारे में बताती थी।
मैं लिखता हूँ, मैं सुनता हूँ एलपी विनॉयल रिकॉर्ड के लेबल के तहत कुमारी की कविता वाला एक एल्बम 1971 में जारी किया गया था, जिसके लिए मोहम्मद जहूर खय्यम ने संगीत दिया था। एल्बम में कविता स्वयं कवयित्री द्वारा लिखी सुनाई और गई थी। यह एल्बम 19 सितंबर 2006 को पुणे जारी किया गया। तन्हा चंद्र कुमारी की कविताओं का एक संग्रह गुलजार द्वारा संकलित किया गया था और 1972 को उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था। मीना कुमारी द पोएट ए लाइफ बियॉन्ड सिनेमा, जिसमें दिवंगत अभिनेत्री की कविताएं और नज्म शामिल है, भी 1914 के प्रकाशित हुई थी। कुमारी ने ऐसे फैशन ट्रेंड स्थापित किए जिसमें अभी भी भारी मांग है। जावेद अख्तियार बताते हैं कि 1950 के दशक में महिला हेयर बन से लेकर पारंपरिक बिंदी तक उन्हें संयमित और गरिमा में फैशन ट्रेंड का अनुसरण करती है। निर्देशन संजय लीला बंसाली ने कहा है कि वह पाकिजा के सौंदर्य शास्त्र और जिस तरह से कुमारी ने शालीनता और सुंदरता के साथ भूमिका निभाई उनकी सराहना करते हैं। उनकी पुष्प या पारंपरिक बनारसी रेशम और कांजीवरम साड़ियाँ कभी फैशन से बाहर नहीं हुई और सभ्याची मुखर्जी जैसे डिजाइनों की पसंदीदा बन गई। तजदार अमरोही ने कहा, जब 1969 में पाकिजा की शूटिंग फिर से शुरू हुई तो उनका पहला गाना मौसम है आशिकाना शूट किया गया। इस गाने के साथ कुमारी ने लुंगी पहनने वाली साड़ियों का एक नया फैशन ट्रेंड स्थापित किया था। 24 फरवरी 2016 को कुमारी की मूल प्रसाद सामग्री और यादगार वस्तुएं, जिनमें उनकी फिल्मों की पेंटिंग और चित्र शामिल है, ओशियाना लिबर्टी मुंबई भारत के वुमनहुड फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई। अपने स्टारडम और परेशान निजी जीवन के बीच विरोधाभास के कारण कुमारी आधुनिक घटनाओं जैसे कि मास मीडिया प्रसिद्धि और उपभोक्ता संस्कृति के बारे में व्यापक चर्चाओं से निकटता से जुड़ी हुई थी। हर साल अपने जन्मदिन पर उनकी स्मृति के कई लेख छपते थे और टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित होते थे। आधुनिक पत्रिकाएं उनके निजी जीवन और कैरियर की कहानियों पर प्रकाशित करती रहती थी। 2010 में फिल्म फेयर में साहिब बीबी और गुलाम और पाकिजा में कुमारी को प्रदर्शन को बॉलीवुड ने आज से प्रतिष्ठित प्रदर्शन की सूची में शामिल किया गया। उनकी दो फिल्में अर्थात वेजू बावरा और दो बीघा जमीन और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण में सबसे महान फिल्मों में से एक माना गया था। भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर न्यूज़ 18 द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में उनकी फिल्में पाकिजा साहेब बीबी और गुलाम और दो बीघा जमीन को अभी तक बनी 100 सबसे फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। उन्होंने 1952 और 1961 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया पर काम किया कि शीर्ष अभिनेत्री की सूची में दिखा गया ही दस्तान टाइम सहित विभिन्न प्रकाशनों में उन्हें बॉलीवुड के शीर्ष सेक्स प्रतीकों में से एक बताया। 2011 में रेड्डी ने उन्हें सभी समय की चौथी सबसे महान अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया, यह कहते हुए कि उनका प्रदर्शन शाहिब बीबी और गुलाम किसी भी मोशन पिक्चर में किसी के भी द्वारा गृहिणी महिला द्वारा बेहतरीन में से एक है। जहां शिल्प इतना अच्छा है यह बिल्कुल सही है कि अभिनेत्री और चरित्र के बीच एक रेखा खींचना असंभव हो जाता है। 2012 में कुमारी को NDTV द्वारा अभी सभी समय की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री की सूची के नंबर 3 पर रखा गया था। 2021 में टाइम्स आउट में उन्हें अपनी 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री की सूची में तीसरा स्थान दिया। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75वीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया और 2023 में राजीव मसंद ने उन्हें एक ऐसी सूची में सूचीबद्ध किया गया। अभिनय शैली और स्वागत, अगर यह जीवित रहती तो संभव है कि वह हमारे आधुनिक बुद्धिमान लेखकों और निर्देशनों को अपनी प्रतिभा के लायक फिल्म बनाने के प्रेरित कर सकती थी।
अब वह चली गई है, प्रेरणा का वह एक श्रोत चला गया। मीना कुमारी का ख्वाजा अहमद अब्बास मीना कुमारी के क्लासिक बायोग्राफी है। कुमारी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने आंसू बहाने के लिए कभी ग्लिसरीन जैसे उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभिनय के दौरान हमेशा सच्चे आंसू बहाए। अपने करियर के चरम पर वह अपनी पीढ़ी की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी और इम्पाला कार खरीदने वाली पहली अभिनेत्री थी। भारतीय फिल्म समीक्षक भावना समारोह में कहा, एक समय था जब शीर्ष नायक मीना कुमारी के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सशक्त भूमिका निभाई थी। विनोद मेहता ने कहा कि मीना कुमारी इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह सितारे बना सकती थी या मोड़ सकती थी। कुमारी ने एक नवांगतकों के प्रति अभिभावक कलात्मक गुरु का रवैया अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की अभिभावक कलात्मक गुरु का रवैया अपनाया। उसके साथ चिराग कहा, रोशनी कहा और राजेंद्र कुमार और एक ही रास्ता में सुनील दत्त के साथ काम किया। एक अन्य आलोचक आफिजा बानो ने उन्हें कल्पना की वस्तु और उदासी का मूल भाव बताया। कुमारी ने धर्मेंद्र को अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी मदद की और भारतीय सिनेमा के एक अभिनय करियर की स्थापना की। कथक गुरु पंडित लच्छू महाराज ने कुमारी के नृत्य की कौशल प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जिस तरह से वह मूर्ति है, वह उसके कंधों के कोण स्वाभाविक रूप से उसके पास आते हैं और उसे सिखाया नहीं जा सकता। अशोक कुमार ने कहा, मीना एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी, वह बहुत चयनात्मक थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने कोई भूमिका स्वीकार कर ली तो उनका अपना दिल मना लेती थी, और यह आश्चर्य की बात है कि उन्हें आज भी उनके संवेदनशील किरदारों के लिए याद किया जाता है। कभी कभी संवाद बोलते समय मैं स्क्रिप्ट में एक पंक्ति नहीं जोड़ूंगा कि, और भले ही मुझे चिंता थी कि मीना ऐसे प्रतिक्रिया देगी, वह मुझे सही प्रतिक्रिया देकर आश्चर्यचकित कर देगी। बेसु बावरा की सफलता के तुरंत बाद कुमारी अशोक कुमार के साथ डेनियल फिजो यूके के एक विज्ञापन ड्रीम हाउस में दिखाई दी। भारतीय फिल्म समीक्षक भावना सोमायो के अनुसार पाकिस्तान फिल्म सेल्यूलाइट पर कविता की तरह थी। मैं एक फिल्म में मीना कुमारी के अलावा किसी और की कल्पना नहीं कर सकता। विनोद मेहता मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी के लेखक के एक निर्देशक ने बताया था, यहाँ तक कि दिलीप कुमार को भी उनके सामने शांत रहना मुश्किल लगता था। सेट पर कुमारी के साथ काम करने के समय राजकुमार अक्सर अपने संवाद भूल जाते थे। मधुबाला भी कुमारी की प्रशंसक थी और कहती थी कि उनकी आवाज़ सबसे अनोखी है, किसी अन्य नायिका के पास ऐसी नहीं है। सत्यजीत रे ने उन्हें निस्संदेह उच्चतम क्षमता के लिए अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि किसी ने भी मीना कुमारी की तरह संवाद नहीं बोले आज तक किसी ने भी, और शायद कभी नहीं बोला होगा। संगीत निर्देशक नौशाद ने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग मान अभिनेत्रियों पैदा कर सकता है, लेकिन कभी कोई दूसरी मीना कुमारी नहीं होंगे। हीरा मंडी के नामांकन के दौरान एक वेब सीरीज सो लाहौर की वेश्याओं के जीवन का वर्णन थी। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने स्पष्ट रूप में उसकी फिल्म पाकिस्तान को अपनी प्रेरणा के रूप में अद्भुत किया। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में वैशाल्य की मैडम की भूमिका की तैयारी के लिए कुमारी की फिल्में देखने का भी जिक्र किया। कुमारी को मरलिन मुनरो ने बहुत सहानुभूति दी और यह तथ्य में मरलिन के पति आर्थर मिलर उसके पति कमाल अमरोही के साथ कुछ समानताएं थी, यह पहचान को और भी करीब ला दिया। दिल अपना विपरीत प्राय में मीना कुमारी अपने व्यक्तित्व और सबसे विशिष्ट विशेषताओं में होने के कारण पाकिजा की शाही बीबी और गुलाम सहित उनकी कई फिल्मों में आंखों के लिए पलोस ऑफ सट ऑफ किए गए। अपनी युवावस्था में उनकी आंखें आग उगलती थी और आश्चर्यजनक थी। उनके रंग में एक कामुल गुण था जो आप उसे देखते थे
जो आपको उसी अपनी बाहों में पकड़ने का मन करता था। मीना कुमारी पर देव आनंद। कुमारी की सबसे बड़ी पहचान विशेषकर 1950-60 के दशक की भारतीय महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने की क्षमता थी। उसके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को मोहम्मद जहूर, खय्याम और जावेद अख्तियार जैसे भारतीय फिल्म बरादरी द्वारा आदर्श भारतीय महिला का आदर्श उदाहरण बताया गया। पाकिस्तान में सुनहरे दिल वाली एक नटखट लड़की साहिब सान का एक चित्रण का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। विमल रॉय मीना कुमारी और नशास फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता के विषय में। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे जैमिनी गणेशन, रामासनी गणेशन, जिनका जन्म 17 नवंबर 1920 को हुआ था और 22 मार्च 2005 में, जिन्हें मंचनीय नाम जैमिनी गणेशन से बेहतर जाना जाता है, और भारतीय अभिनेता ने उन्हें अपने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम किया। फिल्मों में अपनी रोमांटिक भूमिका के लिए उन्हें काथल मन्नाल रोमांस का राजा कहा जाता था। गणेशन तमिल सिनेमा के 3 सबसे बड़े नामों में से एक थे। अन्य 2 एमजी रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन थे, जबकि शिवाजी गणेशन ने नाटकीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एमजी रामचंद्रन एक एक्शन हीरो के रूप में लोकप्रिय थे। जैमिनी गणेशन द्वारा रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। 1971 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता उन्होंने केले फिल्म मनी, एमसीआर गोल्ड मेडल और स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे। वह उस समय तक उद्योग में प्रवेश करने वाली कुछ कॉलेज स्नातकों में से एक थी। इनका जन्म रामाशनी गणेशन 17 नवंबर 1970 को पदुकोट्टई राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके मृत्यु 22 मार्च 2005 चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुई थी। इनका अल्मा मैटर मद्रास कश्य